चेक इन पर आ गए हैं, यहाँ चेक इन कर रहे हैं लगेज का, और नेहा खड़ी है सबसे आगे है लाइन में। दादी आ गई है, ये आर्यन रहा, हम चेक इन पर है। ये बंदर की तरह उछले जा रहा है आर्यन बिल्कुल, और अभी चेक इन करते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं हम कहाँ मिलते हैं आप लोगों को, और देखते हैं ट्राई करते हैं लाउंज में बैठ सके अगर हमारे पास टाइम रहा। वैसे हमारे पास इनफ टाइम है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे अगर लाउंज में बैठ गए तो आपको वहाँ पर मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप लोगों को मालूम है। हम लोग डानी लाउंज में आए हैं, तो यू कैन सी लाउंज, आप देखो ये एंट्री थी इसकी। हम लोग अंदर बैठे हैं, सारे लंच कर रहे हैं सारे वहाँ पे। अभी ये एंट्री सेक्शन है, हम लोग अंदर बैठे हैं, दादी विशाल आर्यन दिस इज द एल्कोहल सेक्शन है यहाँ पर, और अब ये सारा सिटिंग एरिया है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। अभी मैं आपको दादी से, आर्यन से और विशाल से मिलवाती हूँ। ये डिनर सेक्शन है, और सॉरी लंच सेक्शन है, यहाँ पे बुफे लगा हुआ है पूरा, वेज नॉन वेज जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। वो देखो विशाल खड़े हैं, ले रहे हैं कुछ अपने लिए लंच में। मैं आपको मिलवाती हूँ आर्यन और दादी से। ये देखो ये लोग अपना लंच कर रहे हैं यहाँ पे। आर्यन क्या खा रहे हैं? आर्यन खा रहे हैं वाटरमेलन एंड पापड़, और कुछ पेरी पेरी रोल है यहाँ पे वेज, वो खा रहे हैं। एंड दादी भी लंच कर रही है यहाँ पर, और अभी मेरा ये पड़ा है, मैं ये लेकर आई हूँ टेस्ट करने के लिए, और विशाल भी आ गए अपने लिए लेकर, और अब ये भी अब लंच कर रहे हैं। हम लोग लंच कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ये पूरा माहौल है यहाँ पे, देखिए बुफे वहाँ पर है, ये सिटिंग एरिया, और मैंने स्टार्टिंग में आपको एंट्री दिखाई दी है, ये सारा एरिया है। अब हम आपको लंच करने के बाद मिलते हैं। आर्यन ये अभी मैं फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ गोवा, और अभी तक आर्यन और आप सबकी प्यारी दादी को नहीं पता चला है कि हम वी आर गोइंग टू गोवा। वो लोग दे थिंक कि अभी हम मुंबई का ट्रिप पूरा करके दिल्ली वापस घर जा रहे हैं, बट नो, हम लोग जा रहे हैं गोवा के लिए। सो उनके लिए सरप्राइज़ है, अभी तक उनको नहीं पता चलने दिया है, और होपफुली हम कोशिश करेंगे अभी भी ना पता चले, अनटिल जब तक हम लैंड नहीं करते गोवा में, उनके लिए बिग सरप्राइज़ रहेगा, और उनके एक्सप्रेशंस तो देखने वाले रहेंगे। सो आपको दिखेगा, तो अभी आपको दिखाते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आर यू एक्साइटेड टू गो बैक टू होम? अच्छा लग रहा है। सो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा घर जाके? नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा? नेक्स्ट प्लान जल्दी हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा राजस्थान की तरफ जाएं, क्या जाएं अभी हम सोच रहे हैं, कंफर्म नहीं है, बट हम सोच रहे हैं हम सालासर बालाजी के दर्शन कर आए। सो देखते हैं, अगर हमारा बुलावा आएगा तो हम डेफिनेटली राजस्थान की फैमिली से मिलने जरूर आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हम वहाँ जाएं या हम कहीं और प्लान करें, लेकिन मेरा मन है, मम्मी को आज तक जा नहीं पाए हैं, मैं बहुत बार गया हूँ सालासर बालाजी, आर्यन भी नहीं जा पाया, और आर्यन जब अपनी मम्मा की टमी में था तब गया था, पैदा होने के बाद नहीं गया है। सो चाहता हूँ कि मैं इनको भी एक बार दर्शन करा के लाऊं। सो होपफुली हम जाएंगे, अभी हम घर जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा आर्यन का नया सेशन स्टार्ट होना, तो उसकी बुक्स वगैरह सब चीज़ें खरीदनी है, तो होपफुली आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते रहेंगे, और जैसे ही हम फ्लाइट के अंदर बैठेंगे हम आपको थोड़ा नज़ारा तब दिखाएंगे, और फिर दिल्ली लैंड करने के बाद मिलेंगे जल्दी। गाइस अभी हम लोग प्लेन में, जब हम प्लेन आ गया है, इट्स बोइंग 737, और अभी हम चढ़ने जा रहे हैं प्लेन के, अंदर आपको वो प्लेन बोर्ड करके आपको मिलता हूँ थोड़ा सा, मम्मी को ऊपर चढ़ाने का। अभी मम्मी देखो अभी व्हील चेयर पर है, तो अभी मम्मी को लेके चढ़ेंगे हम। सो मिलते हैं थोड़ी देर में आफ्टर द ब्रेक।
सो गाइज वी बोर्ड द प्लेन, हम बैठ चुके हैं नेहा आर्यन और आप सबकी प्यारी दादी बोर्ड कर चुकी है सेफली वी बोर्ड। और अभी हम लोग पहुंचेंगे, जब लैंड करेंगे तो कैसा महसूस होगा हम लोगों को वो हम देखते हैं, कैसा सबको अच्छा फील करेगा कैसा नहीं करेगा। तो विल कैच यू सून एंड आप लोगों को होपफुली हमारे सारे ब्लॉग्स अच्छे आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना, बेल आइकन। लव यू ऑल, कैच यू सून। मैं एक ही बार बोलता हूँ क्योंकि दूसरी बार सुनने के लिए तू नहीं होगा। इट्स माय वे या स्काईवे, पसंद आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। नाउ कम गाइस, वी आर अबाउट टू लैंड एंड द सरप्राइज से हाय से हाय हाय फ्रॉम इंडिया फ्रॉम से हाय से हाय। सो वी आर अबाउट टू लैंड सून, अभी सरप्राइज नहीं खुला है आर्यन और दादी के लिए। दे आर सिटिंग लाइक दैट, आई शो यू, दे आर एंजॉयिंग, दे आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू माई सीट्स। सो नेहा और उन लोगों को अभी नहीं मालूम, वो लोग अभी मस्ती में हैं। तो आर्यन घर पहुंच के क्या करोगे सबसे पहले, दिल्ली पहुंच के आराम? चलो, हमें बहुत डिफिकल्टी हो रही है सरप्राइज छुपाने के लिए, आई स्वेयर ऑन गॉड। और वो लोग अनाउंसमेंट सुनना चाह रहे हैं प्लेन की, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका ध्यान भटका के रखें। सो होपफुली जब तक लैंडिंग होते हैं तब तक सरप्राइज बना रहे और आप लोगों का साथ चाहिए, और लैंड करने के बाद देखते हैं। गाइस वी आर लैंडेड एंड हम लोग लैंड हो चुके हैं, और अभी हमने उनको सरप्राइज नहीं खोला है, अभी देखते हैं कि कितनी देर में खुलेगा, जितना लंबा चल सकेगा लंबा चलेगा, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो दे विल गेट सरप्राइज के भैया ये दिल्ली तो है नहीं और वी आर इन गोवा। सो बूम बूम, इट्स अ टाइम फॉर फन। सो दोनों को कैसा लग रहा है, आप दोनों को पहुंच गए घर, घर पहुंच के कैसा लग रहा है? फाइनली लैंडिंग में एकदम नो इश्यूज, कोई बात नहीं। अभी हम सबसे लास्ट में उतरेंगे, दादी की व्हील चेयर आएगी तब हम उतरेंगे, दादी की बोल रहा हूँ व्हील चेयर आएगी, देन विल मतलब गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेन। और आफ्टर दैट हम कैब बुक करेंगे, कैब बुक करके फिर हम आगे जाएंगे। चलो वेट एंड वॉच, वी आर ऑन गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साउथ गोवा के अंदर है, बट अभी भी आर्यन और मम्मी को नहीं पता कि हम लोग गोवा आए हैं। तो मैं सरप्राइज खोलूँगा जब हम डार्क कैब में बैठेंगे, जब तक सरप्राइज लंबा चले मज़ा उतना ज़्यादा है। मैं दिखा एक सरप्राइज फॉर आर्यन एंड दादी, होल्ड इट। नेहा धूप पड़ रही है तो अभी आप लाल ये पहन लो, उधर जाओ पहले, उधर जाओ, फटाफट जाओ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तू थोड़ा उधर से ले। सो वी फाइनली कहां पर हैं हम लोग? गोवा, वी आर गोवा। दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर दादी एंड आर्यन। कैसा लगा सरप्राइज? आर्यन इज सो एक्साइटेड, ओह माय गॉड। दादी कैसा लगा? यू कांट बिलीव, अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है? We are in Goa, not in Delhi. This is why a plane flies so fast from Mumbai. How's your experience? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आर्यन जोर से बोल रहा है। कैसा लगा सरप्राइज हमारा? Right? You are not so excited? आर्यन मटवा लो।
अभी तेरे हॉलीडेज खत्म नहीं हुए आरू। कैन यू टेल कहाँ पर है हम लोग? डबल एयरपोर्ट गोवा, वी आर इन गोवा नॉट इन दिल्ली। दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर दादी एंड आर्यन। कैसा लगा सरप्राइज? आर्यन इज सो एक्साइटेड, ओह माय गॉड। दादी कैसा लगा? यू कांट बिलीव, अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है? We are in Goa, not in Delhi. This is why plane flies so fast from Mumbai. How's your experience? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मम्मी मम्मी क्या एक्साइटेड नहीं हो रहे? क्या हो रहा है? कैसा लगा सरप्राइज हमारा? Nice. You are not so excited? Wonderful. Aryan, what about you? मम्मी को पहले विश्वास नहीं हुआ और मम्मी को अभी ये जीए पढ़कर विश्वास हो रहा है कि मम्मी इन गोवा। मम्मी अब एक्सप्रेशन दे रही है कि सीरियसली वी आर इन गोवा। दादी को विश्वास ही नहीं हुआ। भैया एक बार ही बता दीजिए कहाँ है हम? गोवा में है। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? आप आपको पहले विश्वास नहीं हुआ था मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा था? मैं कह रही ऐसे मजाक कर रहे हैं। मेरे को भी लगा था पहले। सो पापा की एक और बकेट लिस्ट फुल कर दी मैंने। पापा की बकेट लिस्ट मेरी तरफ से, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए फुल कर दूँ, फुलफिल करूँ। सो यू अब आपको विश्वास हुआ, अब आपका एक्सप्रेशन आया। मैं कहा पहले एक्साइटेड ही नहीं हुए मम्मी। बोलने क्या जा रहा है, बोलने क्या जा रहा है? हैप्पी बहुत। अपने व्यूअर्स को क्या कहना है? व्यूअर्स ऐसे बैठे होने चाहिए जो सरप्राइज पर सरप्राइज देते रहे। गाइस, दादू की तीन बकेट लिस्ट बची थी कि दादी को एक तो मुंबई घुमाना है, गोवा घुमाना है और बनारस। मुंबई के जस्ट बाद हम गोवा पहुंच गए और बनारस कभी और चले जाएंगे। क्या पता क्या पता, इट्स अ लॉन्ग ट्रिप। और बेल आइकन दबाना मत।